देश के बजट की बात तो हो गई, अब विश्लेषण की दिशा हम 1993 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की तरफ मोड़ते हैं। अब तक हम अपनी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये कहकर आलोचना किया करते थे कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ना तो छोड़िए, हमारे लोग आज तक दाऊद इब्राहिम की ताजा तस्वीर तक नहीं ला पाए। कम से कम वो बात पूरी हो गई है। भारत की खुफिया एजेंसियों को इस बार एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस कामयाबी का एक सबूत मौजूद है। ये दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर है। ये तस्वीर कब की है फिलहाल ये कहना हमारे लिए भी मुश्किल है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीर है या ये तस्वीर भी कुछ वर्ष पुरानी है, हम इस बात की भी पुष्टि फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन तस्वीरों में एक बात स्पष्ट है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है और पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। दाऊद इब्राहिम की यह तस्वीर उस वक्त ली गई जब वो डी कंपनी का इंटरनेशनल नेटवर्क देखने वाले एक और अपराधी जाबिर मोतीवाला से मिल रहा था। इन तस्वीरों में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी स्वस्थ लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है, खुश है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम काफी बीमार है और जल्द ही मर भी सकता है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि उसे घुटने की गंभीर बीमारी है और भी कई तरह की बीमारियों की रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं। लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें दाऊद इब्राहिम काफी स्वस्थ दिख रहा है, प्रसन्न दिख रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये तस्वीर आज की है या ये भी कुछ वर्ष पुरानी है। आज से पहले तक दाऊद इब्राहिम की कुछ तस्वीरें और वीडियोज ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थे। एक ऐसी ही तस्वीर थी यूएई के शारजाह की। ये देखिए एक वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, ये कुछ तस्वीरें हैं और यही तस्वीर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थी, यही तस्वीर पब्लिक डोमेन में थी और आप भी यही तस्वीर देखते आ रहे थे। इस तस्वीर में दाऊद इब्राहिम एक क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर फोन पर बातें कर रहा है। ये भी हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम उस वक्त क्रिकेट पर सट्टा लगा रहा हो। ये तस्वीर करीब 33 साल पुरानी है और सबसे प्रचलित तस्वीरों में से एक है। लेकिन अगर उसकी लेटेस्ट तस्वीर और 33 साल पुरानी तस्वीर की तुलना की जाए तो आपको कई सारे बदलाव नजर आएंगे। पहले वो थोड़ा मोटा हुआ करता था लेकिन ताजा तस्वीर में उसके शरीर की बनावट में कुछ तब्दीली आई है। 30 साल पहले उसकी मूछें हुआ करती थी लेकिन ताजा तस्वीर में वो क्लीन शेव्ड है। वैसे जिस तस्वीर को हम दाऊद इब्राहिम की ताजा तस्वीर कह रहे हैं वो कुछ साल पुरानी भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि ये उसकी सबसे नई तस्वीर है। दोनों में अगर आप तुलना करेंगे तस्वीरों में तो शक्ल काफी मिलती जुलती है और ये जो नई तस्वीर है ये दुनिया में आज पहली बार सामने आई है। दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर में जाबिर मोतीवाला नाम का एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये शख्स दाऊद इब्राहिम के कराची वाले क्लिम्पटन हाउस के बगल में रहता है। जाबिर मोतीवाला वही व्यक्ति है जिसे अगस्त 2018 में ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया था और अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी FBI ब्रिटेन से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में अभी भी लगी हुई है। FBI का दावा है कि दाऊद के करीबी ने यह स्वीकार किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही पुराना डायलॉग मारा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। दाऊद इब्राहिम इज नॉट एंड आई रिपीट नॉट इन पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम इज नॉट एंड आई रिपीट नॉट इन पाकिस्तान। What I can tell you is that the location of Dawood Ibrahim is not a secret. You see, time and again, for the last several years, I think we have been presenting to Pakistan a list of people who are in their country. We have asked repeatedly that he should be handed over. He is a UN-proscribed terrorist. His imprint on the Mumbai blast is very clear for all of us to see. And frankly, many people from the media fraternity, they have managed to speak to him, you know, and I think it is very clear that the linkages are in Pakistan. But, you know, I think when we look at this episode of his presence, and if we try to kind of see what Pakistan has been trying to convince to the international community on steps
they claim that they have taken, you know, against terrorist and terror groups operating from the soil. Now, it's very interesting that you claim that you have taken action, but when it comes to taking action against the people who we have demanded, either you ignore, you go into a denial mode, you in fact even deny that they exist and they're present in your country. दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान हमेशा से इनकार करता रहा है, आज भी इनकार कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है। वैसे दाऊद की नई तस्वीर आने के बाद एक उम्मीद जरूर जगी है, क्योंकि आज से पहले तक हम उसकी 33 साल पुरानी तस्वीर के आधार पर ही उसे ढूंढ रहे थे। दाऊद तो नहीं मिला, लेकिन उसकी लेटेस्ट तस्वीर जरूर मिल गई है, यानी जब फोटो मिल गई है तो हो सकता है आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम भी मिल जाए। लेकिन इससे पहले हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह जरूर सुनने को मिला करता था कि दाऊद इब्राहिम तो आप बाद में ढूंढेंगे, पहले उसकी तस्वीर तो लेकर आइए। अब कहीं जाकर इतने सालों के बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी तस्वीर तो ढूंढ लाई हैं, अब हमें इंतजार है दाऊद इब्राहिम को कब लाएंगे।